Hello students, today we are going to discuss about worksheet number 34 of class 6. Date is 9th February 2021. Here in this worksheet we are going to discuss to know your numbers. Let us recall. अब हम पहले जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिकॉल करें. फर्स्ट कह रहा है कंपेयरिंग द नंबर्स एंड आइडेंटिफाई लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए बच्चों जो पहले हम जो प्लेस दिया हुआ प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखेंगे. जो इसमें जो दिया तीन संख्या दिया हुआ है, अब एक बार हम देखते हैं जो कि यदि तीन संख्या या चार संख्या दिया हुआ 2, 5, 7, 1 तो इसको कहेंगे वंस प्लेस कहते हैं, इसको टेंस, इसको 100, इसको 1000. तो पहले देखेंगे दो चीज ध्यान में रखना है यदि हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं. तो पहले देखेंगे जो कि नंबर ऑफ जो डिजिट है सेम है कि नहीं है. किसी में कंफ्यूज करने के लिए कहीं पे चार डिजिट और कहीं पे तीन डिजिट डाल दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं. फिर देखेंगे तो उससे चयन हो जाता है. फिर देखेंगे जो इसमें सबसे लार्जेस्ट प्लेस है उसको पेयर करेंगे. यदि उससे पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं पता चलता है तो उसके बाद वाले को देखेंगे, पता चल जाएगा. और यदि फिर भी नहीं पता चलता है तो फिर अगली इस तरह से हम जाते हैं. तो आइए हम जो दिया गया है उसमें देखें, उसको समझें और करें. यहाँ पे दिया हुआ है कंपेयरिंग द नंबर्स एंड आइडेंटिफाई लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. तो सबसे पहले इसको एक बार पढ़े. 7 यहाँ पे 365, 100 प्लस पे 3, 497, 750, 256. तो लार्जेस्ट प्लेस 100 है तो 700 वाली सबसे बड़ी होगी 750, और स्मॉलेस्ट 287. तो 750 इज द लार्जेस्ट नंबर एंड 287 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. अब इसी तरह कह रहा है आपको जो दूसरा सवाल दिया गया है उसमें कह रहा है मेक 3-digit नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट 851. तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, पहले इसको लिखने के लिए हम यदि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे तो एक बार ध्यान रखें. तो जब सबसे छोटी की बात होगी तो सबसे छोटे से शुरुआत करना है, 1, 5, उससे बड़ी फिर उससे बड़ी 158, फिर 1 प्लस वाले को यही रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, 5 के जगह पे आ गया 8 और 5, तो ये बन गया. अब अगला जो वंस प्लेस वाला मतलब 100 प्लेस वाला हो गया, तो अब हम अगले जो नंबर है 1 से बड़ी तो 5 उसको रखेंगे 100 प्लेस पे, तो 518. फिर इसको बदल दिए, इसका पोजीशन बदल दिए, 581. इसी तरह अब हम 8 को रखेंगे 100 प्लेस पे, 815, और फिर इसको बदल दिए 851. तो इस तरह से ये सारी संख्याएं बन जाती है. अब है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग की बात की गई है. असेंडिंग में और डिसेंडिंग में क्या होता है, देखिए असेंडिंग ऑर्डर जो होता है इस तरह होता है, पहले छोटे से शुरुआत, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से शुरुआत होती है, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. तो ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही देखेंगे. देखिए इसमें पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 217, 247, 392 और 342.
तो सबसे छोटी इसमें 217, उसके बाद 247, उसके बाद 342, 342 और सबसे लार्जेस्ट 392, ये हो गया। और इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में कहता है। तो सबसे इसमें उल्टा होता है, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से लिखते हैं। तो यही संख्या है इसमें, तो यही संख्या है, तो इसी को इधर से सबसे बड़ी संख्या 392 हो जाएगा, फिर 342 हो जाएगा, फिर 247 हो जाएगा और फिर 217 हो जाएगा। इस तरह से करना था। हमेशा की तरह आपसे कुछ करने के लिए भी दिया जाता है। लेट्स डू। यहाँ पे जो आपको पहला सवाल दिया है, इसमें कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। तो सबसे पहले लार्जेस्ट के लिए प्लेस वैल्यू के हिसाब से, लार्जेस्ट प्लेस के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे 7536, यहाँ पे 7370, 7452 और यहाँ पे 7892। पहले तो इसमें देखने की जरूरत है। सबसे पहले हम देखेंगे जो सब में डिजिट सेम है कि नहीं। इसमें भी चार, इसमें भी चार, इसमें भी चार, इसमें भी। अब लार्जेस्ट प्लेस वैल्यू 777 सब में है। उसके बाद आते हैं अगली जो 100 प्लेस पे है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 792, 700, 7892। और सबसे स्मॉलेस्ट जो हो जाएगी 7370। इसी तरह जो दूसरा है उसमें कह रहा है आपसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे चार का ही यूज किया गया है और यहाँ पे 5 है। तो सबसे यहाँ पे जो छोटी है ये, तो ये हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए लार्जेस्ट नंबर 20, पहले में 23,000, इसमें 24,000, यहाँ पे 24,000। तो अब इसमें 24,000 है, इसमें भी 24,000 है। अब 24,000 के बाद अगली 600, यहाँ पे 500 है, तो सबसे लार्जेस्ट हो गया ये 24,649। अब जो दूसरा है कह रहा है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स मेक 3 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवेन डिजिट्स। तो यहाँ पे आपको जो कह रहा है बनाने के लिए, देखिए इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसमें जो नंबर है 573, तो सबसे छोटी पहले 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर इसको पलट दी 375। अब 100 प्लेस पे चेंज करें, 537, 537 और फिर ये इसका पोजीशन चेंज कर दे 573। इसी तरह 735 और फिर इसको चेंज कर देंगे 753। इस तरह से इसका बन जाएगा। अब इसको बनाते हैं, तो सबसे पहले 4 6 7 6 7, इसका पोजीशन चेंज करते हैं 4 7 6। फिर अब 100 प्लेस पे चेंज करते हैं, तो 100 प्लेस पे आ जाएगा 6 4 7, फिर इसका पोजीशन चेंज 6 5।
सिक्स सिक्स और सेवन फोर, फिर हंड्रेड प्लेस पे चेंज करते हैं तो आ जाएगा सेवन फोर सिक्स और सेवन, फिर इसको चेंज करते हैं सिक्स फोर, इस तरह से यह संख्या बन गई। अब आइए हम अगली संख्या देखते हैं, इसको करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको बताया जो कि सबसे बड़ी, धीरे धीरे सबसे बड़ी की ओर बढ़ते, पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से लिखते हैं, तो ये कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए 671, 847 और ये 8320, 8754। तो सबसे पहले ये जो स्मॉलेस्ट है 671 और फिर 847, फिर आएगा 8320, फिर 8754। इसी तरह इसमें जो देखिए यहाँ पे 3801, 2575, 3500, 650, 3870, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया, तो इसको लिखे पहले 2575, फिर उससे बड़ी यहाँ पे 3600, 3800, तो 3650, 3650, फिर 300, 3001 और 3800 और 3870, ये आ गए। अब इसी तरह असेंडिंग तो हो गया, अब डिसेंडिंग होता है इसका उल्टा, सबसे बड़ी फिर छोटी, फिर छोटी फिर सबसे छोटी, लास्ट में लिखते हैं। इस यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटी को पहले, सबसे बड़ी से शुरुआत करते हैं हम। सबसे बड़ी जो है यहाँ पे दिया हुआ है आपको 8000 वाला, 9000 है पहले, तो पहले 9000 वाले को, इसको पहले नंबर वन, फिर इसको नंबर टू, इसको नंबर थ्री और इसको नंबर फोर पे लिखे। इसी तरह इसमें दिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी का पहले चयन करना होता है, तो सबसे बड़ी यहाँ पे 8500, तो इसको फर्स्ट, और फिर 7000 वाले को दो, फिर 5000 वाले को थ्री और ये लास्ट में फोर, इस तरह से पोजीशन आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।